Hello students, hope you all are fine. Before we start our chapter, we take a pledge. I, Ajit Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now it's time to start our study. This is the book of Hindi, Vyakaran Sarovar, आपकी बुक का नेम है. This is of class 7th, जिसमें से हमने first हमारा जो chapter है भाषा, लिपि और व्याकरण, ये हमने कर लिया था, जिसकी आपके पास video और written assignment आ चुकी हैं. Hope आप सब ने अपनी फेयर नोटबुक में इसका वर्क कर लिया होगा. उसके बाद हम आज हमारा सेकंड चैप्टर करेंगे वर्ण विचार. वर्ण विचार जिसे फोनोलॉजी भी बोलते हैं इंग्लिश में, ये हम रीड करते हैं आज. वर्ण विचार, वर्ण के बारे में हम विचार करेंगे. वर्ण क्या है? मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं. मूल ध्वनियाँ यानी कि जो मेन उसका वर्ण, मेन अक्षर, मेन वर्ड होता है, मूल ध्वनियाँ, मेन जो उसकी ध्वनि होती है उसको व्यक्त करने वाले जो चिन्ह हैं उनको वर्ण कहते हैं. उदाहरण क, च, ट, त, म, स, ह आदि, जैसे कि किताब, हाथी, उद्यान. ऊपर दिए गए चित्र को देखकर जब हम उनके नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निम्नलिखित ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं. जैसे किताब, किताब में किताब, क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ, निम्न ध्वनियाँ जो हैं इसमें प्रयोग हो रही हैं, तब जाकर इसके मेल से क्या बनता है, किताब. जैसे हाथी में ह प्लस आ प्लस थ प्लस ई, हाथी. उद्यान, उ प्लस द य आ न अ, उद्यान. इस प्रकार की छोटी से छोटी ध्वनियाँ प्रत्येक भाषा में होती हैं. इन ध्वनियों के और अधिक खंड नहीं किए जा सकते और तोड़ा नहीं जा सकता इस जो वर्ड्स को. ऐसी ध्वनियाँ व्याकरण में वर्ण कहलाती हैं. यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है. वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है. अक्षर, ये सारे अक्षर हैं ना, क, च, ट, हिंदी में जो स्वर व्यंजन होते हैं वो सारे हमारे अक्षर हैं. जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे अक्षर हैं. हिंदी में हमारे जो हैं जो स्वर और व्यंजन होते हैं, जो हमारी वर्णमाला जिसे हम बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स जिसे हम बोलते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूहों को, व्यवस्थित यानी जो इकट्ठा हुआ समूह है हमारे वर्णों का, उसे क्या बोलते हैं, वर्णमाला. हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है. हिंदी वर्णमाला अ आ ई ई उ ऊ ऋ ए ए ओ औ अं अह, ये हमारे क्या हैं, स्वर. उसके बाद जो बचे हमारे व्यंजन, टोटल ये कितने हैं, 52, कुल 52 वर्ण हमारी वर्णमाला में है, अक्षर जिसे हम बोलते हैं. अब अक्ष, त्र, ज्ञ, श, ये संयुक्त व्यंजन है. ये जो व्यंजन, क्योंकि इन सभी में दो दो व्यंजन मिले हैं. श्र देखो, जैसे श्र किस चीज़ की आवाज़, कौन सी ध्वनि आ रही है, अक्ष, सॉरी अक्ष, अक्ष, क प्लस श, क्ष, क्ष इसे बोलते हैं ना, क्ष, क प्लस श मिलकर क्या बनता है, क्ष. त्र, त प्लस र, त्र, साउंड आ रही है ना. ज्ञ, ज प्लस ञ, ज्ञ. श्र, श, श प्लस र मिलकर क्या बनाते हैं, श्र. अ, ज, फ, अंग्रेजी और उर्दू भाषा की ध्वनियाँ हैं. इन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं. ये अर्थ भेद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. जैसे राज, रहस्य, राज, राज्य. देखो, इतने से सिर्फ ध्वनि
में हल्का सा अंतर आया और वहीं पर उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। जैसे कि ज राज, ज के नीचे जो बिंदी है राज, जो हमारा अंग्रेजी और ज जो है उर्दू भाषा की ध्वनि है, ध्वनि चेंज होते उसका मीनिंग बदल गया। जबकि देखने में राज दोनों जगह सेम है, पर उनके मीनिंग कैसे अलग हुए? राज रहस्य, जबकि राज राज्य। बाल सिर का बाल, और बॉल गेंद। फन सांप का फन, फन हुनर। ड तथा ढ वर्ण के शब्द प्रारंभ में नहीं आते, परंतु मध्य तथा अंत में इनका अत्यधिक प्रयोग होता है, जैसे बाढ़ पेड़, चढ़ना पढ़ना सड़ा आदि। स्वर, अब स्वर के बारे में बात कर रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से अपने आप होता है, तथा जिनके उच्चारण के समय मुख में वायु के मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध पैदा ना हो, उसे स्वर कहते हैं। जैसे ईजली, जो ध्वनियाँ ईजली, जो अक्षर बिना किसी ध्वनि की सहायता से बोले जाते हों, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन अक्षरों का उच्चारण हम बिना किसी ध्वनि की सहायता से, जिनके उच्चारण के समय मुख में वायु के मार्ग में कोई अवरोध कोई बाधा ना हो, उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ई ई उ उ र री ए ओ औ। स्वरों की संख्या 11 है। कितने हैं हमारे स्वर? 11। अब स्वर के भेद की बात की गई है। स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। विशेष, वर्तमान में प्लुत के लिए कोई निर्धारित चिन्ह प्रयोग न होने के कारण व्याकरण में स्वर के 2 ही भेद माने जाते हैं। मतलब निम्नलिखित 3 भेद हैं वैसे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, लेकिन जो अब वर्तमान में प्रेजेंट में हमारा जो है प्लुत के लिए कोई निर्धारित चिन्ह प्रयोग न होने के कारण व्याकरण में स्वर के सिर्फ 2 ही भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ री, जिनमें कम समय लगता है। और दीर्घ में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ। दीर्घ देखो, इसकी दीर्घ बोलते ही हमें पता लग रहा है, यानी दीर्घ लंबा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ ए ए आ, ओ, इसमें मतलब ह्रस्व स्वर की बजाय इनमें जो है दुगना समय लगा, वो हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब स्वरों की मात्राएं, स्वरों का स्वतंत्र रूप में भी प्रयोग किया जाता है, परंतु जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है तथा उन्हें मात्रा कहा जाता है। यानी कि देखो, जब हम व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग, जब व्यंजन और स्वर एक साथ मिल जाते हैं तब क्या होता है, उनका स्वरूप ही बदल जाता है, वो मात्राएं कहलाते हैं, तब वो अलग से नहीं देखे जाते। जैसे कि हमने माँ लिखना है, अब मैं फिर आ ए को आ की मात्रा तो नहीं लिखेंगे ना, माँ माँ को आ की मात्रा लगाएंगे, वो मात्रा कहा जाता है उन्हें तब। ठीक है, स्वरों का स्वतंत्र रूप में भी किया जाता है, परंतु जब वो व्यंजनों के साथ मिलते हैं तब उनका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है, तब वो मात्रा कहलाई जाती है। ठीक है, स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह अथवा मात्राएं निम्नलिखित हैं, वो तो आप जानते ही हैं। अ की कोई मात्रा नहीं है, जैसे इसकी सिर्फ साउंड ही आती है, कब अब सब। आ की मात्रा है, जैसे बाला छाता। ई छोटी की मात्रा, किताब चिड़िया में। ई जिसकी थोड़ी सी लंबी स्वर, यानी दीर्घ स्वर, ई थोड़ा लंबा स्वर आता है, जैसे हम इंग्लिश में भी लॉन्ग साउंड करते हैं ना, ई जो लॉन्ग जाती है, लंबी जाती है, दीर्घ जाती है जो स्वर, वो है बड़ी ई की मात्रा, जिसे हम बोलते हैं चील। पीपल उ छोटे उ की मात्रा, पुल कुटिया। उ बड़े उ की मात्रा, फूल मूली। री कृपण मृग। ए बेर शेर। ए पैर सैर। ए जिसे बोलते हैं ओ मोर चोर। ओ लोट दोर, दीर्घ स्वर हैं जो। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यह स्वर प्रत्येक व्यंजन में छिपा रहता है। व्यंजनों का अ रहित रूप लिखने के लिए उनके नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे क च ट म स आदि। यानी जहाँ हलंत होता है वहाँ अ का जो अ के बिना वर्ड्स हैं जिनमें अ की कोई साउंड नहीं है, के
कैच इसमें ए की कोई साउंड नहीं है उसके, जो मतलब अ रहित यानी अ के बिना जो हमने वर्ड लिखना होता है, जो वर्ण लिखना होता है उसके नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हैं। आयोग वहा स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण हैं, अंक जिसे अनुस्वार बोलते हैं तथा अह जिसे विसर्ग, इन्हें आयोग वहा कहते हैं। ये स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है। अनुस्वार जिसके हम ऊपर बिंदी बोलते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक से बाहर आती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है वह ध्वनि अनुशासिक कहलाती है, सॉरी अनुनासिक कहलाती है। इसका चिन्ह ये जो है यह है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पंचम या अंतिम वर्ण अनुस्वार होता है, जैसे कंगन, शंख, पंख, पंथ, संवाद, घंटी, यंत्र। यहाँ हवा नाक से बाहर आ रही है ना। इसी तरह अनुनासिक जो क्या है, जिसे हम चांद की बिंदी बोलते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में हवा मुख व नाक दोनों से बाहर आती है उस ध्वनि को अनुनासिक कहा जाता है। इसका चिन्ह यह है। इसे चांद बिंदु या चंद्र बिंदु कहते हैं, जैसे चांद, गांव, टांग, सांप, आंवला, चांप। विसर्ग इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह है, जैसे प्रातः, नमः, प्रायः, अतः, अंततः। व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जिनका उच्चारण करने के लिए हवा को मुख में अलग अलग स्थानों पर रोकना पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। आज के लिए इतना ही। हम अभी स्वर की करेंगे, व्यंजन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।